क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का SDM ने किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तत्वाधान में सागर क्षेत्र अंतर्गत 43B अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन संभागीय कार्यालय खेल मैदान खजुराहो में हो रहा है, जिसका शुभारंभ राजनगर SDM स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें जबलपुर क्षेत्र, सागर क्षेत्र, रीवा क्षेत्र, भोपाल क्षेत्र, उज्जैन क्षेत्र, इंदौर क्षेत्र, अमरकंटक क्षेत्र, सिरमौर क्षेत्र, वीर सिंहपुर क्षेत्र, सिंगाजी क्षेत्र, सारणी क्षेत्र आदि की टीमें भाग ले रही हैं। आज उद्घाटन मैच में सिंगाजी क्षेत्र और इंदौर क्षेत्र के बीच खेला गया था मैच। ये मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 43वीं अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन है। इसमें हमारे समस्त क्षेत्रों की टीमें भाग ले रही हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता में 11 रीजन की टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें से सारणी, नरसिंहपुर, रीवा, सिरमौर, सिंगाजी, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, इस तरह से 11 रीजन की टीमें भाग ले रही हैं। इस प्रतियोगिता में हमारे जो स्टेट लेवल की टीम का सिलेक्शन भी किया जाता है और ये टीम फिर ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो भारत सरकार द्वारा किया जाता है पूरे समस्त विद्युत विभागों का सभी राज्य के उनमें भाग लेने जाती है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार समाधिया, अमित कुमार, M.K. चौधरी अधीक्षण अभियंता छतरपुर, अधीक्षण अभियंता खजुराहो श्री राम पांडे, संजय ध्रुवे, KS घोषी, PR पाल, अंकित सिंह परिहार सहित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। खजुराहो से तुलसीदास सोनी की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।